अगर आप ये कहें कि भाई ये 2000 की नोट निकली है लेकिन फट गई, बच्चे ने फाड़ दिया, तो मैंने देखा है कि वहां बोर्ड बोर्ड लटका हुआ है, यहां फटे नोट चेंज किए जाते हैं, और आप लेकर पहुंच गए। उस दुकान वाले ने कहा कि ऐसा है 2000 की नोट आपकी फट गई है, तो फटी हुई है, आप तो चलाएंगे नहीं इसको, मैं चलाऊंगा ना, तो आपको मैं इसके बदले सिर्फ 1500 दूंगा और आपको 2000 मुझे देना होगा क्योंकि आपकी नोट फटी हुई है। तो बताइए क्या 2000 के बदले 1500 आपका लेना, या उस आदमी का जो है आपको सिर्फ 1500 देना और आपसे 2000 लेना, वही सिक्का है, वही करेंसी उसी मुल्क की है, क्या ये जायज है? ये जायज नहीं है मेरे भाई, इसको अच्छी तरह समझ लें। आपका जहन कह रहा होगा कि मौलाना ये नोट तो फटी है ना, तो बेवकात हो गई, बेवैल्यू हो गई, तो फिर अगर हमें 1500 या 1000 रुपया मिल रहा है तो आखिर कुछ तो मिल गया, कुछ तो मिल गया, और वो भी कमा लेगा। नहीं, यहां पर वो सूद हो जाएगा। अगर वो फटी हुई नोट लेकर आप गए और उसने भले सिर्फ आपसे 1800-1900 रुपया भी अगर आपको दिया और 100 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया भी कमाया, एक्स्ट्रा लिया, तो वो सूद है, उसके हक में जायज नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका हल क्या है? हल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर कोई हल नहीं होता तो भी ये सूद तो बहरहाल जायज नहीं है, इसलिए कि वही करेंसी, करेंसी से करेंसी बदल रहे हैं आप, लेकिन हल मौजूद है। क्या करेंगे आप वक्त निकालिए और बैंक में जाइए। अगर 1 से 2 टुकड़ा है तो बैंक भी ले लेता है। आप 2000 दीजिए और बैंक आपको पूरा 2000 सही सालिम नोट देगा, अगर आपका वो नंबर सही सालिम है। और अगर ज्यादा नोट फटी हुई है तो भी बैंक लेगा, अगर उसका नंबर जोड़ा जा सके। आप RBI में चले जाइए वक्त निकालकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये आम बैंक नहीं ले रहे हैं तो वो जरूर लेगा। बस यही कि थोड़ी सी लाइन आपको लगानी पड़ेगी और उसका जो कुछ फॉर्मेलिटी उसकी है वो पूरी करनी पड़ेगी, वहां आपको पूरा 2000 का 2000 मिल जाएगा, भले कई टुकड़े हो गए हैं उसके। जी, वो फॉर्म भर करके आपको नोट के नंबर वगैरह सब शो करना पड़ेगी, आपको पूरा मिलेगा। तो मेरे भाई, ये मजबूरी कहाँ है कि हमें नहीं मिल रहा है? जाया नहीं हो रहा है आपका नोट, फट गया है ठीक है, लेकिन आपको पूरा पूरा मिलेगा। पर ये कि फला आदमी दे रहा है हमें इसके बदले 1000, मैं 2000 दे दूं, बदल लूं अपने घर ही के पास ये दुकान है, ये जायज नहीं है, सूद का तबादला है। बिल्कुल ऐसे जैसे अजवा दे करके आप सुक्करी ज्यादा नहीं ले सकते, या सुक्करी ज्यादा देकर आप अजवा कम नहीं ले सकते, जायज नहीं है। ऐसे ही इस करेंसी का आपस में एक रुपये से दूसरे रुपये को, उसी मुल्क के रुपये को खरीदना और कम और ज्यादा करना, ये सूद है, जायज नहीं है।